أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Good afternoon, my dear students. Here we are once again with yet another recorded lecture for you. We have finished dealing with your comprehension part A of your chapter number 7. It's Erase to Remember. Now it's part B of your comprehension. You have been given some lines from the text and you have been asked to answer these questions. The lines here in the B part are, the number one is, this behavior was not new to Owens, and the ellipsis has been used over here. This you have already understood what behavior he is talking about. That's why the ellipses have been used over here. Now number one, question number one is, what does this refer to? So this number one, answer number one, this refers, this because we are talking about singular, that's why I have used over here s. Okay, this refers, yani ye ishara karta hai, this refers to the unfair and cruel treatment of the blacks and the Jews by the Germans, number one. Aur yahan pe the blacks ke sath da laga hai आर्टिकल लगा है, तो जीव्स के साथ लगा, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट ए होल ग्रुप. वन एवर ए होल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड, यू आर सपोज टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद इट. ओके, द सेकंड क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड, वेयर हैड ओवेंस एक्सपीरियंसड इट बिफोर. अब ये ओवेंस को ये तजुर्बा कहाँ हुआ था पहले, तो वेयर हैड ओवेंस एक्सपीरियंसड, तो उसको ये तजुर्बा कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, ओवेंस हैड हेज हेड. अब मैंने देखो हेज हेड यूज़ किया है, तो ये जो हेड जो है इट्स सेल्फ एज एन एक्सपीरियंस की मीनिंग में लिया जाता है. मैंने दूसरा वर्ड भी लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो, ओवन हैज हेड दिस बैक होम इन द US. ठीक है, ये एक्सपीरियंस को कहाँ पे हुआ था, घर, वहाँ पीछे घर में, यानी बैक होम यानी वहाँ जहाँ से ये आया है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स है, वेयर द ब्लैक्स आर स्टिल ट्रीटेड बैडली. आज भी ब्लैक्स को क्या किया जाए, ब्लैक्स प्लूरल है, तो आर ट्रीटेड बैडली, बुरा बर्ताव किया जा रहा है. ही इज़ ट्रीटेड बैडली, मसलन उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है. तो इस तरह से ही या इंशाल्लाह ग्रामर में फिर कभी बताएंगे. सी, यू हैव बीन आस्क्ड, हाउ डिड दिस बिहेवियर अफेक्ट ओवेंस. हियर द क्वेश्चंस यू हैव बीन गिवन, देयर इज अ वर्ड यूज इट अफेक्ट, सॉरी, हाउ डिड दिस बिहेवियर, द क्वेश्चन इज इन द पास्ट, डिड दिस बिहेवियर अफेक्ट. अफेक्ट यू हैव ऑलरेडी, आई एम श्योर यू यू have already seen this word, use it with e, effects. Whenever there is e, it is always taken as a noun, and a, whenever it is written with a, affect, it is a verb. So how did this behavior affect Owens? Because we have used helping verb did, we are supposed to use the first form of the verb. This has been already told you in your English grammar classes. To kis tarah se mutasir karta hai, usko asar kiya. दिस बिहेवियर मेड ओवेंस, अब मेड पास में पूछा है, तो उसने ओवेंस को ऐसा बनाया, सस्पिशियस, शकी बनाया था, ऑफ वेदर टू अटेंड. वेदर यहाँ पे है कि अटेंड करें, टू अटेंड यानी वहाँ पे इन्फिनिटिव यूज़ किया, टू अटेंड करें या द बर्लिन ओलंपिक्स और नॉट, ओलंपिक्स में जाएँ या ना जाए. दिस इज़ योर पार्ट वन. नाउ इन योर पार्ट सेकेंड, द नाजीज, द हियर द नाजीज हेल्ड हिम इन हाई रिगार्ड. बाकी एलिप्सिस यूज़ किया, वन सेकेंड यू हैव बीन यूज्ड ओवर हियर एलिप्सिस. Number one, who does him refer to? Who does? Because here you have been given a singular, then that's why we use does as a helping verb. Who does him refer to? Does kis ki taraf ishara kar raha hai? Him refers to, because we are talking about third person singular, that's why we again use it as him refers to, ishara kar raha hai to the German athlete Lutz Long. Jo German athlete hai, Lutz Long, uski taraf ishara hai. और दूसरा क्या पूछा है, क्योंकि उसको हाई हेल्ड हाई रिगार्ड में रखते थे ना वो लोग, उसको बहुत इज्जत में रखते थे. व्हाई डिड दे होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, अब उसको हाई रिगार्ड में क्यों रखते थे. बिकॉज देखो हम ये मतलब किसी की इज्जत क्यों करते हैं, बिला वजह तो नहीं होता है. क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ आयतुल्ला मुतहरी की, कि हर इंसान जो है अपने इल्म के हिसाब से हरकत करता है. अगर एक प्यासे आदमी की मिसाल दिया है, अगर एक प्यासे आदमी हो उसके सामने टेबल पर गिलास और पानी रखा हो, तो बिला मतलब किसी उसके तशवीक के कि आप शौक दिलाओ, उसके हाथ उस पानी की तरफ बढ़ेगा, वो पानी पिएगा. तो इस तरह होता है इल्म का असर इंसान. अब क्यों इसको हाई रिगार्ड, वाई डिड दे, अब दे जर्मन्स के बारे में बोल रहे, होल्ड हिम, डिड दे होल्ड हिम. अब होल्ड देखो प्रेजेंट में होल्ड
क्योंकि आगे डिटेल का है, इन हाई रिगार्ड, ज़्यादा रिस्पेक्ट में क्यों रखते थे उसको। तो देखो इसका जवाब है, द नाजीज हेल्ड हिम, क्योंकि पास में पूछा था तो हेल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, हिम सॉरी हेल्ड लॉन्ग, आप यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, हिम भी लिख सकते हो आप, हेल्ड लॉन्ग क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं, लुट्स लॉन्ग वाले, हाई रिगार्ड बिकॉज ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्ट ह्यूमन, क्योंकि खो एग्जाम्पल पे हिसाब का परफेक्ट ह्यूमन इन मीन एज पर द जर्मन स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स, आप स्टैंडर्ड लिख सकते हो, मैयार या पैरामीटर लिख दो, सेम है, ऑफ द मास्टर रेस, क्योंकि उनका एक मास्टर रेस का बिलीफ था, उसके हिसाब से वो परफेक्ट ह्यूमन था, इसलिए हाई रिगार्ड रखते थे उसको। ही वॉज लॉन्ग, वो बहुत लंबा कद का था, एंड हेड एन एथलीट्स बॉडी, और एक एथलीट का क्या था, बॉडी भी था उसके पास। एंड द थर्ड क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड हियर, सी पार्ट, डिड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट द नाजीज, क्या वो भी नाजीज का रिस्पेक्ट करता था। तो देखो डिड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट, तो ये वर्ब है, ये डिड यूज़ किया, क्या वो रिस्पेक्ट करता था नाजीज का। अब मैंने लिखा है आंसर नो, ठीक है, नो जब भी लिखेंगे, येस जब भी लिखेंगे कॉमा यूज़ करना है। नो लिट्स लॉन्ग वॉज डिस्गस्टेड विद, डिस्गस्ट मैंने उसको बहुत नफरत था, ठीक है, विद द नाजीज रेसिस पॉलिसीज, जो उनकी रेसिस पॉलिसीज थे उससे उसको नफरत था। ये हो गया आपका बी पार्ट। नाउ इन योर सी पार्ट ऑफ द कॉम्प्रहेंशन यू हैव बीन आस्क्ड येट अनदर क्वेश्चन, यू हैव बीन आस्क्ड, आई थिंक येट टू क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ओवर हियर, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, तो अब हम एक को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है वाई, देखो वाई वॉस ओवेंस, आप देखो वॉस ओवेंस क्योंकि बिकॉज सिंगुलर है, वॉस ओवेंस थिंकिंग, क्यों सोच रहा था अबाउट बायकॉटिंग, क्या किसके बारे में, प्रपोजिशन के बाद बोला था, आईएनजी यूज़ करेंगे हम, जेरेंस यूज़ करेंगे, बायकॉटिंग, बायकॉटिंग यानी बायकॉट करने का, उसको रद्द करने का ओलंपिक्स। व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड अगेंस्ट इट, अब देखो व्हाई डिड ही यूज़ किया फिर से, फाइनली डिसाइड, व्हाई डिड ही डिसाइड है तो एडवर्ब यूज़ किया फाइनली आखिरकार, अगेंस्ट इट उसके खिलाफ, क्योंकि उस पहले नहीं समझ देखता, फिर फाइनली क्यों उसने ऐसा डिसाइड किया, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो ओवेंस न्यू हाउ इट फेल लाइक टू बी ट्रीटेड अनफेयरली जस्ट बिकॉज यू लुक्ड डिफरेंट, अब देखो ओवेंस इस बात को जानता था, न्यू हाउ इट फेल लाइक, ये कैसा महसूस होता है टू बी ट्रीटेड, जो इन्फिनेटिव पैसिव ज़रूरत यानी ट्रीट किया जाना, इस पर देखो इन्फिनेटिव इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, इसको किसी टेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो बर्ताव किया जाना कैसा होता है, किस तरह से फेल लाइक अनफेयरली, ठीक है, टू बी ट्रीटेड अनफेयरली, बुरी तरह से बुरे तरीके से आपको बर्ताव किया जाए तो वो कैसा महसूस होता है, ये ओमेंस जानता था क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट में ऑलरेडी देख चुका था, आपको बताया था कि वहाँ पे तो नेबरहुड्स भी स्कूल्स भी अलग थे, तो जस्ट बिकॉज यू लुक्ड डिफरेंट, खासकर सिर्फ इस वजह से कि आप दूसरों से अलग दिखते हो, काला दिखते हो, तो उसकी वजह से कैसा महसूस होता है वो जानता था। अब ही वंडर्ड, दैट वॉज बेटर, अब वंडर्ड मतलब हैरानी नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश में इसका मतलब है विश टू नो, अब वो खुद जानना चाहता था, ठीक है, विश टू नो वो जानना चाहता था, बिकॉज ही गॉट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे थे ना, तो वो वंडर्ड वेदर इट वॉज राइट, कि ये बात सही है या गलत है, तो ये जानना चाहता था सही है गलत है, वेदर इट वॉज राइट टू अटेंड ए कम्पटिशन होस्टेड यानी जिसकी मेज़बानी कर रहे बाई ए कंट्री, यहाँ पे ए कंट्री लिखना था सॉरी, बाई ए कंट्री देट वॉज ट्रीटिंग सर्टेन ग्रुप्स वेरी हार्शली, जो खास कुछ ग्रुप्स को बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव कर रहा है जिनके साथ, तो ही फाइनली डिसाइडेड टू अटेंड द ओलंपिक्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था दैट वॉट मैटर्ड इन स्पोर्ट्स वॉज हार्डवर्क, स्पोर्ट्स में जो मैटर करता है वो हार्डवर्क है, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इट्स इन एवरी अदर फील्ड, अभी हमारे सोसाइटी में देखो डिविजन इट्स सेफ, अब देखो एक शायरी का लाइन पढ़ता हूँ, क्या कहते हैं इसको, आप सबने सुना होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, इसमें कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लामा इकबाल का पोएम है, उसमें क्या कहते हैं, अगर चिबुद है जमात की आस्तीनों में, कोई मुतहरिक स्कूल बना हुआ है, कोई सवाब बना हुआ है, कोई सुरवेली बना हुआ है, कोई जफरिया बना हुआ है, इस तरह हज़ारों हैं, कोई अपने करगिल में करसे वाला, कोई करपो वाला, कोई काला वाला, कोई पीला वाला, दे अभी यही तो बात कर रहा है, कोई ईरान वाला, कोई इराक वाला, हकीकत में इंसानियत के ऊपर ये सब जुल्म है, तो ये देखो अगर चिबुद है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब कोई डिफरेंस नहीं, तो इसमें देखो क्योंकि वो साबित करना चाहता स्पोर्ट्स की क्या बात है, इसने कहा कि इसने तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो दैट टू द वर्ल्ड दैट वट मैटर्ड, जो चीज़ आपको मैटर करता है, जो आपको ज़रूरत पड़ती है इन स्पोर्ट्स वॉज हार्ड वर्क,
एंड हाउ विल यू परफॉर्म, नॉट विच रेस यू बिलोंग टू. यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस रेस से हो. अभी वही मसला है, क्योंकि आपने अपनी इमामों की ज़िंदगी में देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इमामों के, नाउज़ बिल्लाह, उनके औलाद. अभी नबियों के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, हज़रत नूह के बेटे से कहा आओ, कहा नहीं, तो देखो. तो इस तरह से बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी आपको. होप यू हैव एन्जॉयड इट. कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू इट इन आवर द अदर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़.